मतलब कि डिलीवरी ली थी तो अलॉय के साथ ली थी क्या आपने? डिलीवरी जब ली थी तो लाइट ये फॉग लैंप में एलईडी डलवाई है, अलॉय सिस्टम सब कुछ हमने पहले लगवा के डिलीवरी ली थी। अच्छा तो मतलब ऐसे हो जाता है ये भाई, अपना अगर चलता हो तो हो जाता है। ट्रेन वाले हैं? हाँ ये ट्रेन वाले हैं, ये ट्रेन वाले। और हाँ हाँ मतलब कि कुछ ट्रेन जैसी आवाज। हाँ। मैंने इसको शो कार बनाया हुआ है अभी। अच्छा शो कार बनाया हुआ है, तो पंजाब में खड़े हो और आपको बूफर वगैरह ना मिले तो भाई ऐसा हो नहीं सकता भाई। मैंने इंपोर्ट कराई थी यूएसए से, ये 30,000 कॉस्ट की थी मुझे। अच्छा तो मतलब ओरिजिनल रेंगरल वाली है। तो ये कैसे मंगाई थी? Hey guys, welcome back to my channel. Hope करता हूँ सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। जैसा आपको बताया कि भाई हम पंजाब आए हुए हैं, तो आज भाई आपको पंजाब की थार दिखाने वाले हैं, जो कि भाई भाई ने बहुत ही बढ़िया टेस्टफुली मॉडिफिकेशन कराई हुई है। तो भाई ये देखिए, ये रहने वाली आज अपने पास थार। तो आज की वीडियो हमारे साथ है भाई। तो कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई क्या नाम है आपका? नवराज। नवराज, तो भाई गाड़ी देखो क्या बढ़िया लग रही है। तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि अपना कौन सा मॉडल है अपना? ये भाई 2021 अक्टूबर 2021 का मॉडल है। और मेन चीज़ भाई, एक चीज़ देख रहे हो, जितनी मैंने थार कवर करी है ना, तो सब ने ग्रिल चेंज कराई है, भाई ने नहीं कराई। तो भाई मतलब क्या रीज़न है ग्रिल चेंज ना कराने का? भाई मैंने रखनी थी थोड़ी सी अर्बन टाइप की। अच्छा, ग्रिल अच्छा। चेंज करवा के वो हो जाती है ऑफ रोडर टाइप। मैंने इसको शो कार बनाया हुआ है अभी। अच्छा शो कार बनाया हुआ है, तो नहीं तो सब आते हैं भाई रेंगलर वाली ग्रिल लगवा देते हैं इसमें। भाई बहुत कॉमन हो गई है आज। बिल्कुल भाई, हर थार में मिलेगी, हर थार में। मतलब कि ऐसा अगर से महिंद्रा कंपनी फ्लीट भी देना तो जब भी बढ़िया है ना। ये तो है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो PV10 अपना रहने वाला है। तो PV10 कहाँ का लगता है भाई? ये भाई लुधियाने का। लुधियाने का, और 0086 इसका नंबर है। तो क्या क्वेश्चन वगैरह थे इसकी नंबर की? भाई 25 की पर्ची कटी थी और 75 ऊपर से दिया था। अच्छा 75 ऊपर से थे, 25 की पर्ची, ये कोई लगभग आपको 90 के आसपास का पड़ गया ना। तो ये देख सकते हो भाई। और बहुत बंदे पूछेंगे कि भाई इतना महंगा कैसे 00? इसलिए एक तो 00 है और हाँ। ऊपर से सीरीज अनलॉक करवाई थी, ये HR वाली सीरीज नहीं सी, ऐसे पहले वाली चल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। भाई ने बम्पर वगैरह कुछ चेंज नहीं करा हुआ है, हेडलाइट अपनी चेंज है। तो इनकी क्या कॉस्टिंग थी अपनी हेडलाइट की? ये भाई मैंने इंपोर्ट कराई थी यूएसए से, ये 30,000 कॉस्ट की थी मुझे। अच्छा तो मतलब ओरिजिनल रेंगरल वाली है। तो ये कैसे मंगाई थी? ये भाई शिप से आती है। अच्छा अच्छा, इसका लॉट आता है, इंडिया में बहुत कम है अब तो, बहुत कॉमन हो गया ना। पहले ये बहुत कम थी जब मैंने लगवाई थी। अच्छा आपने कब आज से, एक दो साल पहले कैसे? जब भाई मैंने गाड़ी ली थी। कौन सा मॉडल था शोरूम से ही? अच्छा अच्छा अच्छा, ये 21 मॉडल है, मैंने शोरूम में ही लगवा दी थी। मतलब अलॉय भी पहले ही लगवा लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब की डिलीवरी ली थी तो अलॉय के साथ ली थी क्या आपने? डिलीवरी जब ली थी तो लाइट ये फॉग लैंप में एलईडी डलवाई है, अलॉय सिस्टम सब कुछ हमने पहले लगवा के डिलीवरी ली थी। अच्छा तो मतलब ऐसे हो जाता है ये भाई, अपना अगर चलता हो तो हो जाता है। हमारे प्रेसिडेंट है महिंद्रा के, वो जानते हैं हमें। अच्छा तो भाई मतलब भाई ने ना गाड़ी की डिलीवरी कुछ अलग ही तरीके से ली है, मतलब पूरी मॉडिफाइड थार ली है महिंद्रा से, अलॉय भी लगे हुए भाई को ये मिले महिंद्रा से जब डिलीवरी ली थी, साथ में यही और हेडलाइट वगैरह, मतलब सब चीज़ टोटल ओवरऑल जब डिलीवरी ली थी सारी चीज़ लगी मिली थी, है ना। तो भाई ये सारा चीज़। तो कितने का कैब पैकेज था ये? ये भाई मुझे 30,000 की लाइट पड़ी थी। और तो महिंद्रा वालों ने अरेंज कराया था या आपने कैसे? ये भाई मैंने ढूंढी थी पहले। अच्छा आपने ढूंढ के लाके उनको दे दी? हाँ मैंने उनको दे दी थी। अच्छा फिर वो उन्होंने अपने आप करवा लिया? हाँ उन्होंने फिटिंग करवा दी। फिटिंग चार्जेस ले लिए होंगे बस, है ना? फिटिंग चार्जेस करवा दिए। अच्छा अच्छा, तो ये ऐसा कुछ सीन है, जो इनकी ओरिजिनल थी वो आप घर ले आए? वो भाई किसी काम की नहीं, मिट्टी है वो तो। हाँ हाँ ये तो है भाई, उसमें वो मजा नहीं, तो मोमबत्ती जैसी लगती है। ये तो है, ये तो होगी भाई। फ्रंट से आप आते हैं साइड लुक, तो ये देखिए भाई इसमें अपने मर्सिडीज डिज़ाइन इसका रहने वाला है, जिस पे लोगो भी अपना लगा हुआ है। तो जैसे कि हम लुधियाना में खड़े हैं यहाँ, तो भाई मतलब एक से एक अलग है।
ये गढ़ मान लो अलोहे का ना, मतलब एक फैक्ट्री भी है इधर, सब चीज है लुधियाना में ना अलोहे की, और बहुत सारी दुकानें और बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। सबसे पहले जो अलोहे आता है पंजाब में आता है सबसे पहले, उसके बाद वो दिल्ली वगैरह इधर उधर पहुंचता है। तो ये कैसे आपने चॉइस करा ये वाला अलोहे? भाई ये मैं एक दिन चला रहा था इंस्टा, मैंने मर्सिडीज में देखे थे। अच्छा, ये मर्सिडीज के ओरिजिनल एस क्लास के, सर्च कर लो चाहे इसको। अच्छा, तो ये ओरिजिनल रहने वाले हैं ये कुछ है, नहीं तो फ्यूल कॉन्ट्रा एक कॉमन है भाई, बहुत ज्यादा कॉमन है, उसकी तो कॉपीज भी बहुत है। बिल्कुल, फ्यूल कॉन्ट्रा कॉपीज भी बहुत है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये नहीं आएगी कॉन्ट्रा डलवाना चाहिए फ्यूल कॉन्ट्रा? नहीं भाई, उस टाइम पे है नहीं थे। अच्छा, उस टाइम पे थे नहीं? नहीं, उस टाइम इंडिया में आए नहीं थे। अरे वाह, तो अब दिखाते हैं आपको ये वाला अपना अलोहे रहने वाला है। अगर टायर प्रोफाइल इसकी दिखाऊं तो 295 45R20 इंच की अलॉय व्हील है बंदे। आप भाई 24, 26, 22 तक जा रहे हैं, तो 20 पे कैसे भैया? भाई चलती नहीं सड़क पे फिर। हाँ, ये हमारी रैश ड्राइविंग है थोड़ी सी। अच्छा, रैश ड्राइविंग है, तो इसलिए भाई ने ये लगवाए हुए हैं। तो क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ गई थी इनकी? ये भाई ₹2.25 लाख के। ₹2.25 लाख के, और टायर अपने हैं चाइनीज अब ये? नहीं भाई, फेडरल के है ये। अच्छा, तो भाई मैं तो शायद पहली बार ही सुना है वाला। इंपोर्टेड है भाई ये। अच्छा अच्छा, तो ये टोटल देगा, और एवरेज वगैरह क्या दे रही है इनपे? एवरेज भाई दिखाती तो गाड़ी है कि 12 का दे रही है, पर देती है 8-9 का है। 8-9 का, तो पेट्रोल है ये भाई? डीजल ऑटोमेटिक। डीजल ऑटोमेटिक है, तो भाई ऑटोमेटिक है तो थोड़ी एवरेज भी कम हो जाती है, अगर मैनुअल होती ज्यादा रहती है उसमें ना। ये तो है। तो जैसे कि ये तो 4x4 है, अब आ गई भाई तुम्हारी वो 4x2, वो 12-13-14-15 लाख के आसपास में पड़ जाती है, तो वो कैसी लगी? भाई वो तो बस जिन्होंने गाड़ी चलानी है, हाँ, कि बस थार है, हाँ, वो चलान। उसमें ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते है ना? ऑफ रोडिंग नहीं होगी भाई, और वो जोर नहीं लगेगा उस गाड़ी में। ये तो है, मैंने ड्राइव करके देखी है, वो मजा नहीं है इसमें। उसमें मजा नहीं था? उसमें मजा नहीं है, ये हम चलाते हैं, ये जब खींचते हैं तो भागती है, वो इतनी नहीं भागती, वो लैग करती है कहीं। वो लैग करती है, वो धीरे धीरे है ना रफ्तार, वो धीरे धीरे खींचती है। अच्छा, ये सिस्टम है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में, जो वेबसाइट का नाम है भाई caraccessoriesstore.net। तो भाई लिंक वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो बताता हूँ कि भाई किसी की भी भाई को अगर हेडलाइट की दिक्कत है, परेशानी है बल्ब की, मतलब कि आपकी जो कंपनी फिटेड लाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उजाला नहीं दे पा रही है रोड पे बढ़िया तरीके से, तो उन्हीं लाइट को अपग्रेड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और बढ़िया बढ़िया LEDs अपने लिए चूज़ कर सकते हो, जिनको आप इजिली इंस्टॉल भी कर सकते हो खुद ही, तो घर बैठे भी आप इजिली मंगा सकते हो। हर तरीके की आपको LED लाइट्स मिल जाएगी आपके बजट के अकॉर्डिंग, और पेमेंट ऑप्शन भी अपने यार बहुत सारे मिल जाएंगे, AMI का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मतलब कि आसान किस्तों पर आप भाई LED लाइट्स वगैरह या बेसिक जो एसेसरीज होती है कार की, जो भी आपको चाहिए सब A to Z मिल जाएगी। बात करते हैं, बहुत सी कार ऐसी होती है जिनमें भाई फोग लैंप भी यूजफुल नहीं होते, तो फोग लैंप भी आप अपग्रेड कर सकते हो, GTR के अपने फोग लैंप मिल जाएंगे, iPatch मिल जाएगा, जीवा का प्रोजेक्टर मिल जाएगा आपको, वो सारे आपको इसी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएंगे, जिसको भी ऑर्डर करना हो इजीली कर सकते हो। बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स वगैरह भी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि आर्मरेस्ट वगैरह, जो कि भाई ओरिजिनल होता है मारुति सुजुकी का, जैसे कि अपना टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग, मतलब कि जितने भी जिसकी कार बेस मॉडल है उसको टॉप भी बनानी है, तो उसके लिए भी आपको एसेसरीज वगैरह सारी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके भाई क्लिक करें और ऑर्डर करें, और आसान किस्तों पे आप अपनी कार को भाई मॉडिफाइड करा सकते हैं। तो पीछे जैसे भाई आपको पता ही है 5 का पूरा सेट आता है, नीचे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, इधर क्रोम का आइटम अपना एड ऑन है, ये देख सकते हो, हवा भी चल रही है तो हवा की आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी बहुत। अब आते हैं अंदर की तरफ, तो उससे पहले भी ये डिग्गी ओपन करो, क्या रहने वाला अपना बूफर वगैरह है भाई? है। तो भाई मतलब पंजाब में खड़े हो और आपको वूफर वगैरह ना मिले तो भाई ऐसा हो नहीं सकता। ये है अपना JL ऑडियो का वूफर, तो ये कितने इंच है? 12 इंच है भाई ये? ये भाई 12 इंच का है। तो ये देख सकते हो, इसकी पेटी भी आप देख सकते हो, इसमें ना कस्टम मेड है। कस्टम मेड है अपने, है ना? JL ऑडियो से मंगवाई थी ये। अच्छा अच्छा, तो भाई मतलब पूरा सेट इसका है ये? कस्टमाइज्ड फॉर थार है, वैसे आती नहीं है ये, बड़ी पेटी है। अच्छा, तो ये कितने RMS का है अपना? ये भाई 400 का। 400 RMS का है, बढ़िया बेस वगैरह भाई थार के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो स्पेस नहीं है तो कहीं ना कहीं देखो यार मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी पेटी लगा नहीं सकते, क्योंकि बड़ी पेटी में बेस आता है अपना, है ना भाई? सोचा तो रॉकफोर्ड था। अच्छा। 12 इंच का P2, हाँ, पर वो लगा नहीं क्योंकि उसके लिए पेटी और पेटी बड़ी चाहिए, क्योंकि देखो भाई उसके इनक्लोजर के हिसाब से सारी चीज मतलब बड़ी होनी चाहिए ना बूफर के हिसाब से। अब आते हैं अंदर की तरफ से, अंदर आ जाओ भाई एक बार। तो भाई बाहर से आपको दिखाई दी है, अब आते हैं अंदर की तरफ से। अंदर से ये है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो अगर बात करें तो भैया अपना इधर फ्रंट में क्या मिलने वाला है? ये भाई JL के कंपोनेंट है, JL ऑडियो के कंपोनेंट है, और ऊपर की तरफ
JLK ये coaxial है, coaxial है, दोनों C2 है, ये C2650 और ये भी C2650। अच्छा, उनके ट्विटर की प्लेसमेंट भाई इधर है, तो उसमें ट्विटर जो लगे हुए हैं वो कंपनी ब्रीड वाले हैं कौन से? ये भाई ट्विटर बंद करवाए हैं क्योंकि शार्पनेस बहुत बढ़ गई थी। अच्छा अच्छा, मतलब इतनी क्लियरिटी है? हाँ बहुत ज्यादा है। ओ, तो एम कितने अपने इसके अंदर? इसमें भाई दो है, दो एम पे, एक मोनो एक फोर चैनल। हाँ जी, तो मोनो कौन सा है अपना? स्टेटसम के हैं दोनों ही। अच्छा अच्छा, तो भाई ब्राजीलियन एम पे। अच्छा, तो अगर मैं टोटल कोस्टिंग की बात करूँ कितना अपना पड़ गया होगा उसका सिस्टम का? भाई ये सिस्टम और डैम्पिंग मुझे पड़ गई थी 1,10,000 की। 1,10,000 रुपए का मतलब पूरा सिस्टम मान लो। हाँ, तो डैम्प अपना क्या क्या है? डोर है, डिग्गी है, भाई पूरी टोटली गाड़ी डैम्प है। फ्लोर भी डैम्प है। अच्छा अच्छा, तो अंदर नॉइज भी कम हो गई होगी? बहुत कम है भाई। तो भाई ये सारी चीज रहने वाली है अपना, आपको आउटपुट वगैरह सुनाने वाले किस तरह क्या आने वाला है। तो ये इसमें कुछ ऐसा आता है ऑटोमेटिक का, और बात करते हैं एसी वेंट वगैरह भी बंदे चेंज कराते हैं, भाई ने ऐसा कुछ नहीं कराया हुआ, बिल्कुल टेस्टफुली मॉडिफिकेशन कराई हुई है भाई, सिंपल का अच्छा लगता है बिल्कुल। ज्यादा देखो सबका अपना अपना टेस्ट है ना, तो अब आपको आउटपुट वगैरह सुनाने वाले किस तरह क्या आने वाला है, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं। सही में भाई बहुत क्रिस्प आवाज है ना, बिल्कुल क्लियर और बढ़िया, बिल्कुल डिसेंट। तो ये सारे म्यूजिक सिस्टम रहने वाला है, हमने ऑलमोस्ट भी सारी चीजें दिखा दी है। तो जैसे 20 इंच पे बॉडी रोल वगैरह है इस पे थोड़ा सा या कैसे? तो भाई कंपनी वालों में भी है ही है। हाँ बिल्कुल, तो इनमें थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, मतलब मेरा कुछ नहीं था, फर्क नहीं पड़ा। और बाकी मैंने चला के भी नहीं देखी क्योंकि मैंने डिलीवरी इससे पहली थी। अच्छा अच्छा, 20 पहली थी ना मैंने। अच्छा अच्छा, तो भाई ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि भैया ने ना जो नॉर्मल वाला आते हैं उन पे नहीं चला के देखी, डिलीवरी सीधा 20 पे ली थी ना। हाँ जी भाई, तो भाई ये है सारी चीज। तो भैया टोटल की बात करें, टोटल में लगाया हुआ है जैसे नंबर वगैरह और सिस्टम वगैरह और अलॉय वगैरह सारी चीज मिला भाई 22-23 के लगभग लग गया गाड़ी को बीच में डाल के। अच्छा, गाड़ी को बीच में डाल के, अगर गाड़ी के साथ में लेंगे तो 22-23 लाख रुपए के आसपास का पूरा चला गया भाई। हाँ, तो मैं गाड़ी मिला के है ना, इसमें हॉर्न भी 6 लगे हैं, दो कंपनी से लगे आते हैं, दो मैंने लगवाए, बम्पर के नीचे 4। अच्छा, एक बार हॉर्न बजाना इसका, अरे एक बार बाहर से सुना तो तुम्हें जब पता चलेगी है ना भाई, बजाना हॉर्न। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे टेम्पू वाले ट्रक वाले हॉर्न ऐसे मिक्स होकर बज रहे हैं। ट्रेन वाले हैं? हाँ, ये ट्रेन वाले हैं। ये ट्रेन वाले हॉर्न? हाँ हाँ, मतलब की कुछ ट्रेन जैसी आवाज। हाँ। तो भाई ये कुछ रहने वाला है। तो इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला भाई? मेरा भाई Navraj_89। बिल्कुल, जाके भाई को फॉलो कर लेना, हमें फॉलो कर लेना, इतनी मेहनत से आपके लिए भाई वीडियो बना रहे हैं इतनी दूर आके। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।